ये हम हैं, ये हमारी ग्रिल्ड फिश है और ये हमारी पार्टी हो रही है। हेलो जी, व्हाट्सएप माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू वंडरफुल वकार्स यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो आज हम जो है बहुत दिनों बाद एक फूड ब्लॉग करने वाले हैं। जिस जगह पर आज हम लोग आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं पीछे, अल हदा बारबेक्यू पर हम लोग आए हुए हैं। आज हम देखेंगे इनके रेस्टोरेंट पर क्या क्या इनके पास खाने को मिलता है, क्या क्या हम लोग ट्राई करने वाले हैं। आपको देखते हैं, सब इमरान भाई से बात कराते हैं और फिर दिखाते हैं हम क्या क्या यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। अल्लाह के हुक्म से रश इतना था कि आज शूट ही नहीं कर पाए, मौका ही नहीं लग रहा था। तो अभी थोड़ा सा फ्री फ्री मूव कर रहे हैं, तो इसलिए शूट भी कर रहे हैं। 10:30 बजे और ये समझ लो कि स्टॉक खत्म हो गया अल्लाह के हुक्म से। अभी हम लोग जा रहे हैं फैमिली डाइनिंग हॉल के अंदर और वहाँ जाके देखेंगे क्या क्या हम लोग खाने वाले हैं, आपको बताते। ये हमारी बछवा आ चुकी है हल्की ग्रेवी में और बेहतरीन मसाले के साथ। ये देख सकते हैं इसका सारा टेक्सचर। और इसके साथ हमारा आज आया है ये काली मिर्च टिक्का है जी। मोहन भाई, हाँ, काली मिर्च कैसा आ रहा है? ओपी खा के। उसके साथ सैलेड, रोटी और ये हमारे नवाब साहब को दिखाओ। देखो नवाब साहब कैसे बैठे हुए, बातें कर रहे हैं किसी से। नवाब साहब बैठे हुए थे। अफनान भाई आ जाओ यार। ये सबसे पहले आपको बता दूँ, ये बोनलेस है काली मिर्च टिक्का और इसमें बटर की और मलाई की ग्रेवी होती है। गार्निशिंग के लिए इसमें ऊपर हरा धनिया और अदरक डलती है। देखें इधर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए अदरक के पीसेस है और हरा धनिया भी है। तो इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको टेस्ट की बात बता दूं, जो टेस्ट है वो बिल्कुल लाजवाब है, यूनिक टेस्ट है। सबसे पहले जो आपको इसके नाम से पता लग रहा है काली मिर्च, तो इसमें सबसे पहले जो टेस्ट आता है आपकी ज़ुबान पर काली मिर्च का आता है, क्योंकि सारी गार्निशिंग जो है उससे हुई हुई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें जो अदरक डली हुई है, धनिया डला हुआ है, उससे जो गार्निशिंग कर रखी है। बटर देख सकते हैं कितना अच्छी इसमें ग्रेवी बना रखी है। और यूसुफ भाई, आपने ट्राई करा, आपको कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का है भाई। अच्छा, प्याज चटनी भी डाली थी, कैसा? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है। सब यही आना खाने, मैं छोड़े तुम्हारी जो जो वीडियो देख रहा है सब यही आना। चलो, तो यूसुफ भाई ने कह दिया यही आना, तो अब सबको यही आना है। खैर के साथ यूसुफ भाई की बातें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखो, ये बछवा आ रही है और सिर्फ बटर ग्रेवी में बनता है। ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर और इसके साथ बटर नान। अच्छा, बटर नान की स्पेशलिटी बता दूँ, इसके अंदर जो है तिल है, ये तिल वाला नान होता है। बछवा विद ग्रेवी, ऊपर से अदरक और हरा धनिया। तो देख सकते हैं, अगर आप इसको कहीं से भी हटा के देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे से बिल्कुल अंदर सिका हुआ है और कहीं से भी आप कह नहीं सकते कि कहीं से कच्चा निकल जाएगा। और सारी बात करें मसालों की, इनको मसाले लगाने का तरीका और किस तरह से ये लोग रोस्ट करते हैं, सारी चीज़ वो है। तो सारी स्पेशलिटी जो है भाई, काम करने का तरीका होता है। फ़िश तो सब जगह मिलती है आपको रोस्टेड, लेकिन जिस तरीके की फ़िश ये है वो आपको कहीं कहीं मिलती है।
वैसे तो कछुए की आपको फ़ायदा बता दूँ, जो ये लोग फिश यूज़ करते हैं वो सिंगल कांटे की फिश होती है, तो आपकी जब ये फिनिश हो जाएगी तो आपको कुछ आखिर में ऐसी कंघी बचेगी, ये देखिए सिर्फ कंघी रह जाएगी, और अल्लाह के हुक्म से अभी तक कांटा तो मुँह में आया नहीं जब से खा रहे हैं। तुम्हारे 10-15 आ गए, मेरे नहीं आया। तो बेटा मछली खानी थी इस तरह से खानी। लो जी आप भी ट्राई करो बिस्मिल्लाह। तो लॉलीपॉप जो है आ चुका है, देख लो तुम भी ध्यान कैमरा भाई, तुम भी देखो। और फिश ऑलमोस्ट हमारी फिनिश हो चुकी है, सिर्फ खोपड़ा छोड़ा है मोमिन भाई ने। मोमिन ये भी खा ले यार, तुम ये भी तो खाओगे ना। तो खैर के साथ चिकन लॉलीपॉप बिस्मिल्लाह। लो जी यूसुफ भाई लॉलीपॉप, उमर हाँ ले रहा हूँ। अच्छा मैं लॉलीपॉप का आपको टेक्सचर दिखा दूँ, देख सकते हो कैसा है ये लॉलीपॉप है। और इसको तो यार ऐसे ही करके खाओ। समझे थकान इतनी हो रही है, कैमरा संभालने की हिम्मत नहीं हो रही, इतना सॉफ्ट इतना टेंडर। अब मसाले, सारी बात ये है, सारा बात है मसालों का, किस तरह के मसाले, उसी तरह का भाई साहब एंजॉयमेंट। ओपी ओपी यार ओपी, सुभान अल्लाह। तो अभी हमारे साथ जो है रेस्टोरेंट के ओनर है इमरान भाई। इमरान भाई अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताइए, सबसे पहले बताइए आपके रेस्टोरेंट का क्या नाम है। हमारा रेस्टोरेंट का नाम है अलहदा वन। अलहदा वन, तो बेसिकली किस किस चीज़ में आप लोग डील करते हैं, क्या क्या बनाते हैं? हम चिकन टिक्का, मलाई टिक्का और चिकन काली मिर्च, शकवानी चिकन, सारे ही बनाते हैं। रोस्टेड में जितने भी आइटम है सभी बनाते हैं माशाल्लाह। अच्छा इमरान भाई, थोड़ा सा टॉपिक से हटके बात करते हैं, मैंने थोड़ा सा नोटिस करा कि आपके जो है लिमिटेड आइटम्स मिलती हैं, इसकी क्या वजह रहती है? इसकी ये वजह रहती है जो चीज़ ज़्यादा चलने वाली है और जो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है वो यही चीज़ है। अच्छा, ज़्यादा लोगों को यही पसंद आता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं कि वो ऑफ द मेन्यू जाते हैं कि 25-30-35 आइटम्स, 30-35 आइटम हम नहीं बनाते, हम सिर्फ कलर से काम नहीं करते, हम जो चीज़ जो बनेगी ना उसको वैसे ही बनाना पड़ेगा हमें, तो हम इसलिए कम आइटम बनाते हैं और जिसकी जो रेसिपी ओरिजिनल है ना उसको वैसे ही करके बनाते हैं। अच्छा, अब बहुत से लोग क्या करते हैं अपने अपने हिसाब से सब बनाते हैं, सब सही बनाते हैं वैसे तो, लेकिन हमारा हिसाब ये है कि हम ये चाहते हैं कि जिस चीज़ का जो नाम हो, जो मसाले हों, जो उसका कॉम्बिनेशन हो, पूरा होना चाहिए कम्प्लीट, उसका मज़ा अलग आना चाहिए। फिश के अंदर हमारे पास 4-5 आइटम होती है, पॉम्पलेट भी होती है, बोनलेस फिश भी होती है, सिंगाड़ा भी होती है, और सुरमई वगैरह भी लगाते हैं, बछुआ भी लगाते हैं। बछुआ हमारा जो है माशाल्लाह लोगों को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमने ही स्टार्ट करा है बछुआ, बनाते सामने लेकिन रोस्टेड हमने कराया, और फिर दूसरा इसको सेकना, सेकने के बाद इसको बिल्कुल एकदम बढ़िया करके सेक करके और उसको खिलाना, और एक तो दूसरी बात ये होती है एकदम फ्रेश होता है, ताज़ा होता है डेली। बाकी बहुत सारी जगह हमने नोटिस करे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो ग्रिल पे सेकते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग, आप लोग तंदूर में सेकते हैं, इसका क्या वजह है? तंदूर में इस वजह से थोड़ा एक तो अंदर तक सिकता है, फिर दूसरी बात ये है कि इससे धुआं थोड़ा कम हो जाता है, लोगों को भी परेशानी नहीं होती। पॉल्यूशन 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 भी कंट्रोल, बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है, तो बहुत सारे लोग धुआं उड़ाते हैं। चलिए इमरान भाई, अच्छा एक बात बताइए कि केटरिंग का क्या रहता है आपका? केटरिंग का पार्टी, हम पार्टी वगैरह करते हैं जितने भी हैं, और विद मटेरियल भी करते हैं, और ऐसा भी होता है कि सामान वो अपना देते हैं बनाने के लिए, हमको देते हैं, बाकी सब सारी चीज़ें हमारी होती हैं और गोश्त वगैरह हमारे लिए होता है। आज की ब्लॉग में इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और यह वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। तो फ्रेंड मुलाकात होगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, अल्लाह हाफिज़। बचवा स्पेशली जो काली मिर्च टिक्का हम लोगों ने खाया उसका टेस्ट बहुत बढ़िया था, और अभी ये बताएगा कैसा लगा। हाँ भाई मोमिन कहता था ले इतना खाया, इतना खाया, नहीं ये कट कर देना, क्या कहना है, इसको कट कर देना।